Hello to all. Now we'll be talking about the second part of our mineral wealth. Well, now how different rocks are formed? Basically, we have three types of rocks, that is igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. Different ways as to how rocks are formed through the process. इट इज़ ऑल द नेचुरल प्रोसेस, सारा नेचुरल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमारा रॉक फॉर्म हो. फैक्ट्स अबाउट मिनरल्स, ऑल न्यूट्रंट्स सच एज विटामिन्स, प्रोटीन्स, इंजाइम्स, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, शुगर, ऑयल्स, ये सब चीज़ें जो हमारी बॉडी में हैं, जो हमारे सेलुलर फंक्शंस के लिए ज़रूरत होते हैं, वो सब हमारी बॉडीली प्रोसेस के लिए सब कुछ हमें मिनरल्स के थ्रू मिलता है. जितने भी विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ये सब हमें मिनरल्स देते हैं, तभी हमारी बॉडी फंक्शन. वेल, एट द एंड आई वुड से दैट द रियल वेल्थ ऑफ द नेशन लाइज इन द रिसोर्स ऑफ अर्थ, सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स एंड वाइल्ड लाइफ. मतलब कि हम लोगों को अपना जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बचाना है, अगर हमें अपनी वेल्थ, अगर हमें अपने मिनरल्स को बचाना है. तो अर्थ के अंदर इतने मिनरल्स हैं जो हम लोगों को वाटर में मिलते हैं, फॉरेस्ट में मिलते हैं, वाइल्ड लाइफ के थ्रू मिलते हैं या सॉइल्स के थ्रू मिलते हैं. ये सब हमें हेल्प करते हैं सर्वाइव करने के लिए. तो इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड सेव मदर अर्थ. दिस थॉट हैज़ बीन सेड बाय रेचल कैरसन एंड इट इज़ वेरी ट्रू दैट हमारे जो नेशन की रियल वेल्थ है वो हमारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स एंड वाइल्ड लाइफ. थैंक यू. आई होप आप लोग को समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच.